हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर डे ऑफ दी व्लॉग। क्या हाल चाल आप लोगों के? होप सब बढ़िया ही चल रहा होगा। प्रवीण सिंह की तरफ से आप सभी को सत श्री अकाल, भरी नमस्कार। आज के दिन मैं निकल रहा हूँ पटियाला। मेरा एक्चुअली क्या है ना, हर महीने कम से कम 10 दिन बाद एक बार पटियाला का चक्कर लग ही जाते हैं, यानी फर्स्ट वीक छोड़ के दूसरे नेक्स्ट वीक पटियाला का। इस बार तो अलग ही चक्कर लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, वाइफ की तबीयत कुछ नासार सी हो गई है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था। तो मुझे पहले तो बताया नहीं, लेकिन जब पता लगा तो अभी जा रहा हूँ। वैसे तो वाइफ का फ़ोन आया था, वो मना कर रही थी आने के लिए, बोल रहे थे नहीं मत आइए, रास्ता सही नहीं है दिल्ली वाला और उधर अम्बाला वाला। मैं बोला भाई टेंशन बड़ा, मैं आ रहा। तो अभी वही रास्ते पे हूँ। सुबह कम से कम 6:45 बजे के लोग निकला था घर से, तो लग जाएगा कल हम 1.5 घंटा निकलते सोनीपत पहुँचते वक्त। अभी तो फिलहाल मैं कौन सा रोड में, हाँ झज्जर वाली रोड पे हूँ। यहाँ से मैं कट लूँगा बाईपास के लिए। ये देखो भाई, सूरज देखो लाल लाल पड़ा है ना, लाल लाल। अरे लाल लाल होठों पे गोरी, किसका नाम है टंग टंग। अच्छा पोस्ट, ये कौन सा है? एम्स। ओके हाँ, एम्स, एम्स का अस्पताल है। सच मैं तो भूल ही गया था। ये रूट से ना थोड़ा ये है कि हरियाली थोड़ी रहती है दोनों साइड ना, मतलब ना पेड़ पौधे हैं, तो आदमी एंजॉय करते हुए चला जाता है। और दिल्ली साइड से अगर निकलना हो करनाल से बाईपास होते हुए, वो है कि धूल मट्टी सब अपना अंदर लेते जाओ, वो वाला हिसाब किताब है। और आदमी दिल्ली क्रॉस करते करते इतना मेंटली वो हो जाता है ना, कि आगे चलाने का बाइक मन ही नहीं करता। ये रूट से सही है अपना, एकदम हरियाली एंजॉय करते हुए दिल्ली से बाहर निकल जाओ। हाईवे एंटर करने से पहले एक कप अपन को चाय पीना है, चाय पियेंगे फिर उसके बाद गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि सुबह उठना था एक्चुअली 4 बजे। एज यूजल मेरा हमेशा की आदत ख़राब, उठ नहीं पाया, नींद हावी थी सर पे। उसका कारण भी है, वो मैं आप लोग बाद में बताऊंगा। देखता हूँ अगर उस आज वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है फिर मैं बताऊंगा। कि क्यों कल रात मुझे सोने में लेट हो गया, अंकल डर गए, अंकल डर गए डर गए डर गए। अंकल सामने सोचेंगे कौन एलियन आ गया भाई। हम लोग एक्चुअली हम लोग जितने भी मोटर ब्लॉगर वाले ना हेलमेट पहन के निकलते हैं ना और राइडिंग गियर्स वगैरह सब, हम लोग ऐसे देखते चलते कौन से दूसरे ग्रह का प्राणी आ गया। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। ये देखो यहाँ थोड़ी दूर में दिखाता हूँ, ये देखो खेत ही खेत है, इसलिए इस रूट से जाना मुझे पसंद है। ओहो लपट्स आगे, डिस्क प्लेट थोड़ा लग रहा मुझे खराब हो गया। सोचा था इस बार पता करूंगा कि ये रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि वो रिपेयर हो जाएगा, दानिश नेक्स्ट टाइम आऊँगा फिर लेके जाऊँगा, क्योंकि नया कम से कम अपन को 3000 का पड़ जाएगा, फिर लेबर पड़ जाएगा, कुल मिला के 3500 रुपये का शायद मुझे खर्चा पड़ जाएगा इसमें। तो इसलिए पहले पता करेंगे रिपेयर होता है कि नहीं होता है। जहाँ दिल्ली में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो है रिपेयर नहीं होता, खाली बंदा छोड़ के सब चीज़ मिल जाए यहाँ। चाय पीना है ना, मैं एंड पे पियेंगे अपना वहाँ पे।
नींद आ रही है अभी भी, क्योंकि सोते सोते ना मुझे कम से कम 2 बज गए थे कल रात में। और सोचो अलार्म लगाया था मैंने 3:30 बजे का, सोया मैं 2 बजे और अलार्म लगा हुआ था मेरा 3:30 बजे का। फिर भाई 2 घंटा से ऊपर का नैप हो गया, लेना था 1 घंटे का नैप लेकिन 2 घंटे से ऊपर का नैप हो गया। तो भाई यहाँ पे भी ना वही बरसात की वजह से सड़क टूटी हुई थी, मैंने धस गई थी सड़क नीचे। भाई जब ये इलाके में ये हाल है यार, मनाली हिमाचल ये सब जगह पे क्या होगा, वहाँ तो भाई सड़कें ही उड़ गई हैं हाईवे तक। ये जिंदगी अलग ही मौज वाली है। हैंडपंप को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं भाई, देसी भाषा में सब कोई कमेंट करके बताना। हैंडपंप जो वहाँ भाई लोग नहा रहे थे, चलिए तो मिल। तो यार यहाँ रुक गया हूँ चाय पीने के लिए, मुझे जाना है इस वाले हाईवे पे, ये अपना इस साइड निकल जाता है मानेसर की तरफ, इस साइड निकल जाएगा हाईवे का सोनीपत की तरफ। तो यहाँ से जाएंगे अपन राइट लेंगे, फिर उसके बाद टोल पे, टोल रोड पे चढ़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इंजॉय करते हैं चाय, चाय पीने के बाद अपन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? तो चाय बनने देते हैं। हाँ एक बात और, ये जो रास्ता है ना ये झज्जर की तरफ से जाता है, यहाँ से इधर से भी झज्जर जींद होते हुए पटियाला निकल सकते हैं अपन, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा ना अजीब टाइप का, इसलिए नहीं जाता इस साइड से। टाइम हो रहा है 8:30, अभी फ़िलहाल मैं हूँ पानीपत में, यहाँ से पटियाला अभी और लगेगा 3 घंटे का रास्ता और है। नियर अबाउट 11:30-12 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा। मौसम ठीक ठाक है, उतना कुछ मतलब कि ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ठंड है, बट लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ी बनी हुई है। जल्दी जल्दी सलाह, जितना लेट करेंगे ना उतना यहाँ इस रोड पे ना ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। यही एक दुआ है कि भाई बरसात ना हो, एक बार घर पहुँच जाए फिर उसके बाद बरसात होने के होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में बरसात अगर हो गई ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक्चुअली क्या ना मेरे पास रेल लाइनर मेरा फट चुका है बॉटम वाला, पिछली बार बताया था ना, गया था लेने के लिए बट मुझे डंका मिला नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर करके देखेंगे बस, रील का तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में है इन कंपैरिजन टू अदर। जो रील का मैंने देखा है, चलिए चोपड़ा जो ऑटोमोबाइल्स है वहाँ पे गया था, वहाँ राइनक्स का भी देखा, बाकी अदर ब्रांड का भी देखा, बट कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त के पास भी है राइनक्स वगैरह के गियर है
वो भीग जाते हैं यार अंदर से, उतना कुछ खास है नहीं है। और ऊपर से कॉस्टली भी ज़्यादा है, खाली बॉटम बॉटम नहीं, हाँ बॉटम बॉटम नियर अबाउट 1200-1300 रुपये का पड़ रहा था। झील का मैंने देखा था तो झील की क्वालिटी थोड़ी ठीक लगी, देखता हूँ अगर ऑनलाइन में अगर डिस्काउंट में मिल जाएगा तो वो मंगा लेंगे। फिलहाल तो अभी ऐसे ही चल रहा हूँ, इसीलिए तो वही मना रहा हूँ कि भाई एक बार घर पहुँच जाऊँ, फिर उसके बाद बरसात होता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक साइड खेत, एक साइड घर, उधर खेत है थोड़ा दूर दूर तक और इधर घर। यार बाइक जब हाथ में आती है ना, वो भी जब लॉन्ग रूट पे निकलते हैं तो एक अलग से ही एनर्जी आ जाता है पूरा बॉडी में। वो एनर्जी ना एक एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बट वो फील कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। बॉडी का ना जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, बूम बूम करके रन दौड़ने लगता है। तिरंगा ढाबा, इसी रास्ते में ना एक और ढाबा है, द ग्रेट खली ढाबा। वापस आते समय सोच रहा हूँ ना एक बार वहाँ पे भी रुक के खाना खा के देखूँ कैसा है कैसा नहीं है। इस रोड पे तो मैक्सिमम मैंने होटल और ढाबे में खाना खाया हुआ है, बट जो ग्रेट खली ढाबा है और एक धर्म ढाबा इस रूट पे, तो ये दो ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। तो इस बार रिटर्निंग टाइम में सोच रहा हूँ कि भाई इन दोनों में ट्राई किया जाए कि फूड कैसा है, और जैसा भी होगा वैसा अपडेट तो आपको मिल ही जाएगा। अभी रास्ते में ना एक बात और, दो बंदे मिले थे अभी कश्मीर जा रहे हैं राइट पे, यार उनके ही नज़ारे हैं अभी फिलहाल तो। हम तो भाई जिस दिन से अभी हमने जॉब स्विच किया है ना, कुछ करने को ही नहीं बनता। टाइमिंग ही ऐसी है कि भाई पूरे 9 घंटे देने पड़ते हैं, 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाता है ना सीधा हाफ डे लगा देते हैं भाई। भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, हम भी अगर ओवर टाइम कर देते हैं, रात में सपोर्ट दे देते हैं बहुत सारा चीज़ें, तो कंपनी को भी समझना चाहिए कि अगर वो आपके एम्प्लॉय बिना बोले या ओवर टाइम सपोर्ट कर देता है तो अटेंडेंस में थोड़ा सा फ्रीज रहने देना चाहिए। आपका क्या कहना है, जो जो जॉब कर रहे हैं वो बता के दें, बताएं। अभी क्या हुआ ना, रास्ते में दो लेडीज आ रहे थे, उसका स्कूटी का टायर पंचर हो गया, तो ये भाई को मैं लेके गया था कि चलो हेल्प हो जाएगा, बट लेकिन फिलहाल अभी पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। आई थिंक वो लोग भी किसी ना किसी पंक्चर वाले को ढूंढने गए थे, इनका तो मिल गया था बट उनकी किस्मत थोड़ी सही नहीं थी। जो होना था भाई उसको कोई रोक नहीं सकता, तो फिलहाल अगर उनको अगर पंक्चर वाला मिल जाता है तो स्कूटी बन जाएगी उनकी। और ये भाई साहब ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही नाम क्या? हाँ सही नाम प्रवीण। हाँ थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ये भाई ने मैं अपना चैनल सब्सक्राइब किया भाई, थैंक्स फिर सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। चलो यार, भाई ने अच्छी हेल्प किया यार, एक बार में ही चल पड़ा मेरे साथ। और आई थिंक मेरे से भी थोड़ी सी गलती हुई, मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, पहले ही अगर रुक के अगर पूछ लेता कुछ हेल्प चाहिए